एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास प्रोग्राम टॉपर्स टॉक में। हमारे साथ कुछ टॉपर्स सीजीपीएससी 2018 के उपलब्ध हैं जो आपको यहाँ पर इनसे रूबरू करवाया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और जो सफलता आप लोगों ने प्राप्त किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है, ये नॉर्मल सी बोलचाल की भाषा में अगर आप इसको जान सको तो। सबसे पहला तो आपसे यही सवाल है कि आपने भी जैसा बताया कि 2 से 3 बार मेंस दिया हुआ है, तो असफलता के बाद जो आपको सफलता मिला है कैसा अनुभव हो रहा है? सर, पहली बार मैंने 2016 में मेंस दिया था। जब 2016 का मेंस दिया था उस समय मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, 276 रैंक आया था, और इंटरव्यू तक तो ऐसा लगता था कि आपको मतलब एक अधिकारी बन गया है, फीलिंग आने लग जाता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो कुछ ही नंबरों के कारण क्या रैंक बदल जाता है, 20 नंबर के कारण मेरे को पोस्ट नहीं मिल पाया था पिछले साल 2016 में, सर तो वो 2015 पीएससी था। तो जब पोस्ट नहीं मिला तो ऐसा लगने लगा कि सर कि मेरा सब मतलब ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं सीधा जो टॉप में था वहाँ से जीरो में आ गया है, क्योंकि फिर से हाँ फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो पीएससी में ये है कि उसके बाद कई लोग क्या होता है कि हार मान जाते हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपको हार नहीं मानना है। और मैंने फिर सोचा कि जब मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ और कुछ नंबर से चूक गया हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने आप को फिर से मोटिवेट किया, और मैंने कहा कि घर वालों को भी कहा कि इस बार मैं पोस्ट लेके दिखाऊंगा करके। और सर मैंने कंटिन्यू फिर मेरे पास क्योंकि हम लोग जो रिज़ल्ट था वो दिसंबर में आया था, 2 महीने ही बचा था, मैंने 2 महीने फिर से तैयारी स्टार्ट की अच्छे से, प्री निकाला, मेंस निकाला, और फिर अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के रूप में फिर पदस्थ हुआ। नकुल, आपसे भी मेरा एक वही सवाल है कि हो सर 2-3 बार आपने भी पेपर दिया है। जी सर, कट ऑफ को लेकर आपके मन में भी बहुत डर चला होगा, और अभी भी बच्चों के मन में बहुत सारा डर है कट ऑफ को लेकर, उनके लिए आपके पास में क्या संदेश है? सर, पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जब तैयारी करो तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रहो कि आपको कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और इतना नंबर भी ले आओ कि आपको ये वाला प्रॉब्लम ना आए। और मेरे साथ ये होता था कि जब भी मैं प्रीलिम्स दिया हूँ तो हर बार सेफ साइड में ही रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक फ़ायदा रहा है, क्योंकि मैं एनालाइज कर लेता था कि एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही कि पेपर को देख के समझ में आ जाता है सर कि इस बार कटअप कितना जा सकता है। क्योंकि बच्चों का डायरेक्ट सवाल है कि सर कटअप कितना जा रहा है, मेंस की तैयारी करें या ना करें? सर, बच्चों को तो यही बोलना चाहूँगा कि आपको तो मेंस की तैयारी तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपको मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर से ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अच्छा, मेंस का तैयारी करने बैठेंगे तो उनके मन में प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, पढ़ूँ कि नहीं? देखिए सर, आपके मन में आता था ऐसा सवाल? वही मैं बोलना चाहूँगा सर कि पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि जो आप ऐसा एग्ज़ाम बना के आ जाओ कि आपको फिर डाउट ना आए, ठीक है, आप सेफ साइड पे चलिए। अब कहीं भी आपको लग रहा है कि मैं डाउट में हूँ तो उस कंडीशन में ये होना चाहिए कि आपको अपना तैयारी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोग के साथ ये होता है कि लास्ट में ये पता चलता है कि उसका कटअप क्लियर हो गया है और वो 1.5 महीने में कुछ नहीं किया है, फिर उसके पास तो वो फिर हाँ फिर उसके पास टाइम कम बचेगा, फिर मेंस निकालना भी है, आपको 7 पेपर देना भी है। तो इससे अच्छा ये है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आज नहीं तो कल आपको पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये मान के चलिए कि अगर इस बार अगर आपका उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता जो 3 महीने में, आप उसको साल भर पढ़ाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या पता आप क्लास 2 बन जाए या DC बन जाए, तो ये आपको फ़ायदे दिला सकता है। इसलिए तैयारी तो आपका जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद आपका तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और मेंस ही एक तरीका है जिसके माध्यम से आपको पोस्ट मिलेगा। क्योंकि सर प्रीलिम्स नहीं निकलने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आपने मेंस का तैयारी नहीं किया है। आप प्रीलिम्स के सारे जो पेपर है उसमें प्रीलिम्स के पेपर में आप देखते हैं कि वो प्रश्न कहाँ से आते हैं, आपके मेंस के सिलेबस ही आते हैं जी। तो आप मेंस का तैयारी किए हैं, दर्शन पढ़े हैं, सभी सब्जेक्ट अगर आप पढ़े हैं तो आपका तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। इसलिए मेंस की तैयारी करते समय आप मेंस का तैयारी कीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। सर सृजल, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी जर्नी सिविल सर्विसेज की तरफ कब से स्टार्ट हुई, और आपकी लाइफ में इस जर्नी में किस प्रकार से चुनौतियाँ आईं और उसका आप सामना किस प्रकार से किए? यस सर, इसके पहले सर मैं 2016 तक एक्सेंचर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे कार्य। अच्छा, मतलब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले? जी, तो बैंगलोर में मैं IT जॉब में था। तो उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कोई जॉब जिससे मैं छत्तीसगढ़ के लिए डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूँ, तो तब से मेरी सिविल सर्विस की जर्नी स्टार्ट हुई। और आपके इस जर्नी में किसी प्रकार से अगर क्योंकि पूरे साल भर कंसिस्टेंट रहना बहुत एक चैलेंजिंग काम है, तो आपके सामने किस तरह से खासकर कंसिस्टेंसी को लेकर आपके सामने किस प्रकार से चैलेंजेस था? सर, सब ये कहते हैं कि ये टैलेंट और नॉलेज और स्किल का गेम है,
मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हमें पेशेंस और वो परसिस्टेंस की ज़रूरत है। जैसा नकुल के जैसी ही जर्नी मेरी सिमिलर रही है। लास्ट ईयर मेरा 280 रैंक था, तो वो जब हम लोग वो स्टारडम एक बार देख लेते हैं कि मेंस में हमको एक हीरो और रोल मॉडल की तरह दिखाया जा रहा है, उसके बाद जो अर्श से फर्श तक का जो सफ़र तय करते हैं, वापस हमको प्रीलिम्स देना होता है, तो वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है। जी बिल्कुल। गीता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया पेशेंस, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, खासकर सिविल सर्विसेज में, ये माना जाता है कि पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है, और इस बीच में फैमिलीज चैलेंजेस भी बहुत होती हैं। एक बार क्लियर नहीं हुआ, दो बार क्लियर नहीं हुआ, तो फैमिली को भी डर लगने लगता है। तो इस पेशेंस वर्ड को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे छात्रों के बीच में? सर, मैं तो मानती हूँ पीएससी मतलब ही पेशेंस होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। मेंस चलो प्री तो ठीक है, 2-3 महीने में हो जाएगा, बट मेंस ऐसा 1-2-3 या 1-2-3 महीने का काम नहीं है। उसमें अगर आपको ठीक है, क्योंकि पहले से अगर राइटिंग स्किल अच्छी है, तो आपको अगर नॉलेज है, तो आप उसको ढाल सकते हो अपनी कॉपी में। बट कई बार चीज़ें सब इक्वली टैलेंटेड होते हैं दिमाग वाइज, सबका अपना स्किल रहता है। कोई किसी सब्जेक्ट में बेहतर होता है, किसी को केवल जो कोई प्री में बेहतर होते हैं, कुछ मेंस में बेहतर होते हैं, कई ऐसा होता है मेंस में बेहतर होते हैं, प्री ही नहीं निकाल पाते। तो ये रहता है, सबको इक्वली बैलेंस करके चलना पड़ता है। और मेरा साथ तो ये हुआ है कि जब मैंने 2017 में मैंने पहला पीएससी दिया था, तो वो मेरा प्री ही नहीं निकला था। तो मुझे, क्योंकि स्कूल में परसेंटेज अच्छे आते थे, तो एक रहता था कि हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि छत्तीसगढ़ के 4,000 लोग में भी गिनती नहीं हो रही है, मतलब कहाँ पर खड़ी हूँ, ऐसा हो गया था। मेरे फ्रेंड ने तो मुझे कह भी दिया था कि 5 साल तक तेरा कुछ नहीं होगा। वो भले उसने पता नहीं अप्रिशिएट करने के लिए कहा था कि कुछ कर लेगी, ये सोच के कहा था, बट नहीं हुआ। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद संयुक्त भर्ती का एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा जस्ट एक ही हफ्ते 18 फरवरी 2017 को ये APSC था, और 25 फरवरी को वो पेपर था, तो उसमें मेरा हो गया। तो एक सवाल है मेरा आपसे कि उन बच्चों के लिए जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो आपने एक काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है इस फील्ड में, आपके पास में भी काफ़ी अच्छा अनुभव है, आप सफल होकर यहाँ तक आई हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या जो कर चुके हैं? सर, अगर मैं ये कहूँ कि जो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, आप सच में पहले मेंस ही तैयार करो, क्योंकि जब मेंस हम कवर करते हैं 80-90% मैं तो कहूँगी पूरा प्री तैयार हो जाता है। आप करंट भी पढ़ते हैं मेंस के लिए, क्योंकि आपको ऐड करना रहता है करंट अफेयर्स। आप सारे फिलॉसफी तो ऐसा है कि पिछले बार भी कुछ क्वेश्चंस और अभी के सीधा सिलेबस, दर्शन के सिलेबस से आते हैं। अगर आप दर्शन के सिलेबस से रट लिए ये सिद्धांत किसने दिया ये, तो आपके 5 क्वेश्चन तो वहीं से डन हो जाते हैं। और अगर इस साल अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आप लोगों में से बहुत लोगों ने दिया होगा, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में देखें तो इस ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं CGPSC भी करेंट अफेयर की तरफ बढ़ने की कोशिश की है। और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, जैसे अगर पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखोगे तो आप करंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं हो, तो आप सिर्फ करंट ना पढ़ें, उसको स्टैटिक पार्ट से रिलेट करते हुए पढ़ें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें ये बोलना चाहूँगा सर, जैसे इस बार हमारा जो आया था कि राज्य से आया था, राज्य के निर्माण से, अनुच्छेद 2 और 3 से आया था। तो क्यों आया था सर? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो हमारे मतलब इस बार हुआ था, तो ये UPSC का पैटर्न रहता है सर कि करेंट, जब कोई करेंट होता है तो उसको लोग डीप में जाना, बेसिक में जाना चाहते हैं, और बेसिक से वो फिर वहाँ से सवाल उठाते हैं। तो करेंट तैयारी करते करते हम लोग को करेंट का तैयारी ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक हो रहा है, अगर कहीं पर नया राज्य बन रहा है, तो उसके बाद नया राज्य कैसे बनते हैं उसका आर्टिकल से हमको देखना पड़ेगा। तो अगर कोई नई जो घटनाएं घट रही हैं, इकोनॉमिक्स में अगर आपका मंदी हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मंदी क्या होता है, मंदी से फिर आप मुद्रास्फीति क्या होता है, इससे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या आते हैं, इन सारी चीज़ों को हमको एनालाइज करके पढ़ना पड़ता है, तभी हमारा जो तैयारी वो सार्थक हो पाता है। अविनाश, मेरा आपसे सवाल है, बेसिक सवाल है कि CGPSC की तरफ या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ आपका झुकाव, और जिस तरह से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उस बीच में जिस तरह से आपके सामने चैलेंजेस आते गए, उन चैलेंजेस से आपने कैसे आगे निकला, उसके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो सिविल सर्विस में आने के मेरे इंस्पिरेशन जो रहे हैं वो मेरे पिताजी हैं। तो फिर सर, वो जनपद पंचायत CO थे, तो जहाँ पे पोस्टेड थे वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया था। तो जब लोग आके पिताजी की तारीफ़ करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने 10th के बाद से ही सोच लिया था कि मेरे को इस फील्ड में आना है। 10th के बाद से? जी हाँ, 10th। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब स्कूल टाइम पे ही अगर कोई छात्र
अपना पूरा प्लान कर ले कि मुझे बनना क्या है। बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि मुझे पायलट बनना है, सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चों का वो रहता था पायलट बनना है। तो उस तरह से अपने टेंथ क्लास में अगर ये टारगेट रख लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज ही बनना है, और खासकर वो पेरेंट्स को खासकर एक संदेश यहाँ पर ये जा सकता है कि आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करिए, आगे बहुत हेल्प करता है। क्योंकि नहीं हो गया इंजीनियरिंग कर लिया, ठीक है ये कर लिया वो कर लिया, बच्चों का जो मन है वगैरह नहीं, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपका प्रीलिम्स का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कब से स्टार्ट हुआ? सर मैं इससे पहले UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो 2017 का प्री जो था उस टाइम में UPSC का प्री प्रिपेयर करते करते ही दिया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम CGPSC का प्री फाइट किया तो मेरे को लगा कि जितने क्वेश्चन है इनके वो सारे मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से हल कर सकता हूँ। फिर सर एक साल मैंने जुलाई के मंथ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने मेन से ही स्टार्ट की थी सर, बाकी सिलेबस चेंज हो गया था तो बाद में जाके फिर से मेरे को वो चेंज करना, तो मेरा भी यही था जुलाई अगस्त में को मेंस को देना था, उसके बाद प्री पे आना था। तो मैंने जो जुलाई का मंथ था वहाँ से स्टार्ट किया और दिसंबर तक सर मैंने पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट किया। जनवरी में एक बार रिवीजन हो गया और फरवरी में इतना अच्छा पेपर गया था कि मेरे को बिलीव था मेरा प्री क्लियर हो रहा है। मेंस के लिए भी सर मेरा सेम स्ट्रैटेजी था, जो भी टाइम है उससे एक महीने पहले या डेढ़ महीने पहले पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। लेकिन सर कुछ कुछ एरियाज थे, जैसे लैंग्वेज का पार्ट हो गया, पेपर 6 का पार्ट हो गया, पेपर 7 का पार्ट हो गया, ये तीन जो पेपर हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि जनरली जो पॉलिटी वाला पेपर होता है पॉलिटी हिस्ट्री उसमें जनरली मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं मिलते जितना लैंग्वेज में और पेपर 6 और पेपर 7 में आप स्कोर कर सकते हो। तो ये तीन मेरा वीक पॉइंट था। अगर मैं उस टाइम पे इस चीज़ों पे बहुत अच्छे से वर्क किया रहता तो आज शायद मेरे पास डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता। ये तीन सब्जेक्ट तीन पेपर मतलब आपने जो थोड़ी बहुत कमियां की जी, तो जी, आगे जी। आप फिर से एग्ज़ाम देना चाहेंगे या अभी आपने प्रीलिम्स दिए हैं? हाँ, अभी मैंने प्री दिया है, प्री का पेपर बहुत अच्छा गया है मेरा। चलिए और फिर बहुत उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ मैं इस फील्ड के लिए, और फिर इस बार का जो मेंस होगा उसमें मैं लास्ट से भी ज़्यादा। अच्छा, बार बार एक शब्द आता है कि सबसे बड़ा आपके पास में अगर कुछ हथियार होता है तो सेल्फ मोटिवेशन होता है। एक एक जवाब आप सबसे चाहूँगा कि आपने अपने आप को क्या सोचकर और किस तरह से सेल्फ मोटिवेटेड किया? सबसे पहले तो सर जो मेहनत होती है वो हमको कॉन्फिडेंस देती है और वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। सबसे बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है ना तो उसको अंदर से लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कैसे सफलता नहीं मिलेगी, तो सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन तो यही होगा। गीता, आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन का डेफिनेशन? हाँ सर, मेरे लिए भी सेम ही है। थोड़ी सी फैमिली तो पूरी ही रहेगी साथ में, बट वही है कि आपको खुद लगने लग जाएगा यार मैंने इतना मेहनत किया, मैं इससे बेटर पोस्ट डिजर्व करता हूँ, एटलीस्ट मैं पोस्ट तो डिजर्व करती हूँ। और वो बच्चे जो पास में आकर चूक जाते हैं, जैसे 2016 में आपने बोला कि चूक गया, तो उसके बाद तो मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाना चाहिए हाई हो जाता कि सर। इस बार इससे भी बेहतर एकदम टॉप 10 में आना, ऐसा कुछ होता है ना? हाँ सर, ऐसा होता है, क्योंकि कुछ लोगों को देखा है मैंने 300 तक रैंक था और आज वो 40 के अंदर ही आ गए हैं। आपने श्रीजल, आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? सर कुछ सपने सोने नहीं देते, तो बिल्कुल, तो जैसे मैं बिलासपुर की गलियों में घूमा करता था तो उसी टाइम मेरे लिए ये ड्रीम होता था कि मैं भी एक दिन टॉपर्स में से एक रहूँगा और आप सबके सामने इंटरव्यूज़ में होऊँगा, तो ये शायद मेरे लिए एक सपने की तरह ही है। बिल्कुल, वो दृढ़ शक्ति होता है ना जिस चीज़ को आपने ठान लिया मुझे करना है। एक मूवी का नाम याद आ रहा है मेरा, कौन सा मूवी, लक्ष्य था, ऋतिक रोशन का, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को भी देखना चाहिए वो मूवी, बहुत कुछ सिखाता है उसमें कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा क्या होती है। एक एक सवाल का जवाब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे शुरू करें और कब करें? सबसे पहले शुरू प्रीलिम्स से करते हैं, सबसे पहले आपसे प्रीलिम्स को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी और शुरुआत कैसे हुई? सर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रीलिम्स की तैयारी तो 3 महीने में किया जा सकता है अगर आप अच्छे से करें तो, लेकिन कैसे कर सकते हैं 3 महीने में, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सर लगातार मेरा प्रीलिम्स निकला और अच्छे नंबर से निकला है, तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग जो पेपर हुआ है PSC का उसको पहले आप लोग देख लीजिए 5 साल का कि भैया पूछता क्या है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये नहीं कि आप चालू कर दिए कहीं से भी पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि
मेरे दोस्तों को भी मैं यही बोलता हूँ कि आप पहले देखो तो पेपर में क्या है और सिलेबस में क्या है करके, उसके बाद ये देखिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर से कहाँ से सवाल आ रहे हैं। अब अगर इतना अगर आप कर लिए, उसके बाद आपने प्रायोरिटी सेट कर लिया। देखिए सर, क्या होता है कि प्रीलिम्स में हमको क्वालिफाइंग करना पड़ता है, टॉप करना नहीं रहता है। तो क्वालिफाइंग कैसे करें, तो हमारा हर इंसान का क्या होता है, कुछ वीक पॉइंट होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। सभी के साथ अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कुछ वीक है। तो ये है कि आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं छूटना चाहिए, सीधा फंडा ये रहता है। तो मैं ये देखता था कि मेरा उस पेपर में कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ कौन कौन से सेक्शन मेरा जो स्ट्रांग है उसको मैं पहले रेडी कर लेता था। उसके बाद फिर मैं जाता था कि जो मेरा जिससे जैसे कुछ जैसे मेरी ही बात है सर, हिस्ट्री के बहुत सारे जो ऐसा रहता है कि याद नहीं आते हैं और लेंदी भी रहता है। एक्चुअली मैं बोलूँ तो हिस्ट्री मेरा भी बहुत वीक पॉइंट है, अभी भी नींद आता है वो। नहीं सर, उसमें क्या रहता है कि सर की सिलेबस बहुत बड़ा है, प्रश्न आने वाले आपसे चार से पाँच ही आने वाले हैं। साइंस का सिलेबस छोटा है, प्रश्न आने वाले चार से पाँच हैं। और आप खुद देखिए कि जिसमें आप, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं बाय द वे, तो आप उसको कम टाइम में पढ़ेंगे, अगर आपका 5 नंबर 10 नंबर मिले तो क्या बुरा है उसमें। हमको तो सर नंबर लाना है ना इसमें, खासकर प्रीलिम्स में ये रहता है कि कट ऑफ क्लियर करना रहता है, तो कट ऑफ क्लियर करना है। और ये है कि हमको 100% तो नहीं बनाना है सर पेपर में, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको छोड़ना ही रहता है। सभी के साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। और पीएससी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बनाते हैं कि आपसे वो सॉल्व हो गए ही नहीं, आपने कितना भी क्यों ना पढ़ लिया हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि जो अपने रेंज का जो टॉपिक है, अपना जो रेंज है, उसको आप इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि वहाँ से अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो नहीं छूटेगा। दूसरा चीज़ ये है, वर्तमान में क्या हो रहा है सर कि हमारा जो CGPSC है, बच्चों की ये होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे तो आपको एलिमिनेशन करने का टेक्निक पता चलता है। हो क्या रहा है सर कि CGPSC में जब से 4 ऑप्शन हुआ है और डायरेक्ट पूछने लग गए हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपको अगर ये पता है कि ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो आपको ये आंसर मिल जाता है कि ये तो है, ऐसा भी होता है। ये इस बार के पेपर में भी ऐसे ही हुआ कि जैसे जो हमारे जो उसमें छत्तीसगढ़ का जो साहित्यकार के नाम आते हैं तो सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो सबको पता है कि रविशंकर शुक्ल ने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, इसका रचना क्या है करके। अब एक ऑप्शन था जिसका पता था कि इसका रचना ये तो नहीं है करके, बाकी तीनों का नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि सर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा साथ में मतलब वहाँ पर मेन एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम हॉल में जो 1 घंटे या 2 घंटे का जो टाइम है सर, 2 घंटे के टाइम में आप कैसा परफॉर्मेंस करें वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तैयारी सभी करते हैं, पूरे साल भर का मेहनत और वो 2 घंटा, साल भर का मेहनत रहता है सर। कई लोग क्या होता है कि कई लोग को अपने ऊपर भरोसा भी रहता है, तो मैं प्रीलिम्स में ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपसे जब इतना मेहनत किया तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। सही बात है, जब एक इंसान डिप्टी कलेक्टर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। तो आप पहले तो ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपसे सही टिक भी लगेंगे, वहाँ आपको डाउट भी नहीं होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितना क्वेश्चन लगाने से इस बार मैं सेफ हूँ। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से ही होता है सर। आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्री के लिए आप क्वालिफाइंग होने के आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो मेन ये है कि सर प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी और किन किन सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है, ये मेन होता है। श्रीजल, आपकी मेंस की स्ट्रेटजी कैसी रही? यस सर, सर जब हम लोग अपनी जर्नी बिगिन करते हैं तो मुझे लगता है कि मेंस के आंसर्स ऐसे लिखे जाएं कि वो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करें। मतलब आप एक ऑफिसर की हैसियत से वो लिखें कि वो डेप्थ एक पेश करें आंसर्स। तो मैं यही सोचता था कि मैं सारे आंसर्स जो लिख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हों। इट्स लाइक आई एम राइटिंग अ बुक और उसमें सारे जो एक एक आंसर्स हैं वो उसके एक एक चैप्टर्स हैं। और ये चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से सिखाती है, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए अगर आप चाहते हो कि मेंस के पेपर में बैठ जाओ तो ये चीज़ संभव नहीं है कि आपका मेंस क्लियर हो जाए। और दूसरी बात मैं मेंस पेपर से ही करना चाहूँगा, चूँकि आप लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, नया सब्जेक्ट जुड़ा था, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, चाहे वो एसे राइटिंग का हो चाहे पेपर नंबर 7 में हो। आपके सामने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर नहीं थे, और जो बच्चे अभी मेंस देंगे इस प्रीलिम्स के बाद में उनके सामने भी ये चैलेंजेस होगा, हालांकि 1 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो आपने उस नए सिलेबस को कैसे पढ़ा और वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? सर सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये नया सिलेबस ऐड क्यों हुआ है। तो जब हम इंटरव्यू फेज तक जाते हैं और जब हमें वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस और वेरियस एक्ट्स पे, फिर जब वो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें तो जनरल अवेयरनेस की है, एक ऑफिसर को ये सब पता ही होना चाहिए। और फिलॉसफी और सोशियोलॉजी की भी अगर बात करें, अगर हम इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कुछ
लर्न करने के लिए या नॉलेज लेने के लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी आसान। आपको क्या लगा नए सिलेबस में करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ा? करेंट अफेयर्स का वेटेज मेंस में जी सर बढ़ा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन आंसर्स में हम यूज़ कर एक्चुअली इनडायरेक्टली ना, अगर स्मार्ट स्टडी आप करते हो ना, दूसरों से अलग लिखना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है कि उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पर करेंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा वो होता है। जैसे आपने अंडरलाइन किया, अगर वो चीज़ चेकर कॉपी चेक करा तो सीधा उसके माइंड पे क्लिक होता है कि इसने कुछ अच्छा लिखा है। अब जैसे पेपर नंबर सेवर में एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें सारे लोग पढ़ लेते हैं। अब आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ इस साल वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, अगर उसके बारे में आप लोग लिखते हैं तो आपका आंसर ऑब्वियस ही बात है बहुत बड़ा बन जाता है। गीता, आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी कैसी रही और सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट, क्योंकि 7 पेपर हैं आपके सामने, कुछ की कमजोरियां होती हैं कुछ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा आपने स्कोर कौन से पेपर में किया और आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स किस प्रकार से चैलेंजिंग थे? मेरा प्लस पॉइंट तो एसे का पेपर ही था क्योंकि उसमें 133 मार्क्स आ गए थे। जब मैंने मैं ये था कि घर में तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकती थी, 2 घंटे लिखूंगी तो दूसरे दिन नहीं लिख सकती थी, ऐसा था मेरा। तो इसलिए मैंने अगस्त में यहाँ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने जब मेरा प्रीवियस ईयर तो नहीं निकला था, फिर मैं अगस्त में सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी ताकि हर वीकेंड में जाके कम से कम एक बार तो लिखूं, और वो दो हाफ में होता था, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो वो मेंटली भी प्रिपेयर हो गई थी। और सप्ताह भर पढ़ो और एक दिन लिखो, वो बहुत सेटिस्फाई कर देता था। संडे तो एकदम अच्छा रहता था कि पूरा दिन लिख लिया, शाम को थोड़ा आराम। मतलब आपने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की? मैंने सर केवल टेस्ट सीरीज में की है, मतलब हाँ, मैं संडे आती थी, बिलासपुर से मैंने दिया था, मैं बस संडे जाके लिखती थी, सप्ताह भर पढ़ो और लास्ट में दो, क्योंकि मैं टाइम टेबल की एकदम पंक्चुअल तो नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो जैसे इस दिन ये टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा वो पूरा पढ़ लो, फिर उस दिन जाके लिखो। मेरा पूरा ये था सर, मैंने मेंस पूरा टेस्ट सीरीज़ के बेस पे, मैंने घर में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, केवल उस टेस्ट सीरीज़ में किया है मैंने जितना भी। तो उससे जब हम लोग को कॉपी वापस मिलती थी तो उसमें लिखा रहता था कि यहाँ पे ये गलती हुई, यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हो, ये अच्छा है ये बुरा है, तो वहाँ से पता चल जाता था। और मेरा सबसे इस बार का जो मेरा मार्क्स कम आया है वो मेरा फर्स्ट पेपर वन में है। लैंग्वेज सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, मैं तो मतलब लैंग्वेज में लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, आप पूरे 7 पेपर में देखो तो कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लैंग्वेज का पेपर, एसे का पेपर, पेपर नंबर 7 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये सब पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लैंग्वेज में आपने स्कोर अच्छा नहीं किया। सर लैंग्वेज मेरा 109 आया है, तो वो रहता है कि अगर आप उसमें 130-140 कर लेते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, और वो पेपर ऐसा है कि थोड़ा सा मेहनत में बहुत ज़्यादा आउटपुट देता है वो, तो मैं वहाँ टाइम मैनेज नहीं कर पाई, मैं बहुत सोचते रह गई, तो मेरे को लगता है मेरे लैंग्वेज के पेपर की वजह से थोड़ा गया है। बाकी सब पेपर में तो ऐसा है कि आप ज़्यादा दूसरों से डिफर नहीं कर सकते, ज़्यादा 5-6 मार्क्स से आगे पीछे हो सकते हैं बाकी में, बट लैंग्वेज और ऐसे ऐसा है आपको बहुत लंबा दूरी आगे ले जा सकते हैं बाकी लोगों से। अविनाश, आपसे भी यही सवाल है, आपका मेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा रहा और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट? सर सबसे स्ट्रॉन्ग था मेरा पेपर 7, पर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आए थे एसे में, और सर जिसमें मैं सोचा था सबसे कम मार्क्स आएंगे उसमें सेकंड हाईएस्ट मेरा। आपके हिसाब से 7 पेपर में सबसे बेहतर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन सा है? पेपर 1 है सर, पेपर 1, पेपर 7 है और एसे है। एसे में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी कि प्री देने के बाद मैं दिल्ली चला गया था, मेरे को लगा अकेले में बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, तो अगर मैं छत्तीसगढ़ पर रह के न्यूज़पेपर को पलटते रहता, क्योंकि हमारा अब डेली रूटीन हो गया है कि सबसे सुबह उठ के न्यूज़पेपर ही ढूंढना है, तो मैं वो भी रूटीन फॉलो किया रहता, तो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट का एसे था मेरा बहुत अच्छा गया रहता, इंडिया वाला पार्ट बहुत अच्छा था पर छत्तीसगढ़ वाला पार्ट भी बहुत अच्छा गया रहता। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैं आप सबसे चाहूँगा कि कई बार जब होता है न्यूज़पेपर्स को लेकर कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर स्टडी किया, उसके बाद ही सवाल आगे बढ़ाता हूँ, पूरे साल भर तो न्यूज़पेपर स्टडी क्या सिर्फ इतना के लिए होना चाहिए करेंट अफेयर अपडेट हो गया वो काफ़ी है, करेंट अफेयर वीडियोस मिल रहे हैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है न्यूज़पेपर आपके मेंस के आंसर राइटिंग में क्या रोल प्ले कर सकता है या क्या रोल प्ले करते आया है? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत सारे हमको फ़ायदे मिलते हैं, और मैं तो उसको थोड़ा सा डीप में, खासकर राजनीतिक और ये जो इकोनॉमी का जो टॉपिक है उसको मैं इंटरेस्ट लेकर लेखन शैली सुधारती हूँ, तो एक तो लेखन शैली आपका सुधरता ही सर, दूसरा ये रहता है कि कुछ कुछ जो कोटेशन रहते हैं कि हम जैसे मोदी जी का कुछ कुछ जो कोटेशन रहता है उसको मैं एसे में यूज़ कर लिया था 2-3 बार, तो 135 मेरे को एसे में 2-3 बार मेरे को 135 कोटेशन बहुत अट्रैक्टिव अगर हो किसी मतलब
प्रसिद्ध इंसान का या फिर कुछ भी कविता लिखते हो तो बहुत वो अट्रैक्टिव होता है। तो सर वो हमारे ये क्या होता है सर कि हमको आंसर राइटिंग में ये देखना पड़ता है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। अगर आप उनको करेंट से रिलेटेड जोड़कर अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो उनको नंबर देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और ऐसे ही होता है सर कि अगर आपसे अगर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पूछा जा रहा है तो हर दिन न्यूज़पेपर में कभी न कभी वो आते रहता है। अब उन चीज़ों का आप अच्छे से अगर एनालाइज़ किए हो कि मुख्यमंत्री ने उसके बारे में क्या कहा है, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अगर आप उनके जो लोग जो जनमन की जो पत्रिकाएं होती हैं उनको अगर आपने पढ़े हैं तो इससे ये पता चलता है कि सरकार क्या चाहती है, उनकी योजनाएं कैसी है। वैसे आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, करंट आपका नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो वो हमको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है। तो न्यूज़पेपर के साथ साथ आप ये नहीं मत सोचिए कि ये सिर्फ मेरे लिए करेंट की अपडेट करेगा, ये सोचिए कि आप इससे का यूज़ मैं कहाँ कर सकता हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, खासकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। आपसे एक सवाल जो आपको बहुत पसंद आया हो और बहुत सही सवाल होगा इंटरव्यू का, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा गया था, आपका फेवरेट सवाल? सर फेवरेट सवाल तो नहीं, बट वो एज अ बाउंसर आया था मेरे लिए। वो था कि क्या आपने रामचरितमानस पढ़ी है, तो वो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। अच्छा, इंटरव्यू में करेंट अफेयर्स से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस? जी, करेंट पे मुझसे सिंस मेरा कंप्यूटर साइंस से था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन किया गया। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ है। ऐसा था कि कोंडागांव में जब हम लोग वहाँ पर गए थे, चल रहा था हम लोगों का डेमो क्लास, तो वहाँ पर सबसे पहला सवाल यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और अगर टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सवाल एक यूनिक बन जाता है। आपसे इंटरव्यू में सवाल अगर पूछा जाए तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मैं अभी कमर्शियल टैक्स में क्लर्क हूँ, तो मेरे 80% क्वेश्चन केवल कमर्शियल टैक्स रिलेटेड था। जीएसटी के ऊपर विधेयक आया, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आई, जीएसटी में करंट से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे? हाँ सर, मुझसे पूछा गया था कि अगर जीएसटी लाए हैं तो अभी भी तो बहुत लॉस हो रहा है, अभी भी उतनी मतलब टैक्स उतने हम लोग ला नहीं पा रहे हैं, अभी भी घाटे में ही चल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ इसको लाने का आपके हिसाब से, इसका सटीक जवाब? तो मैंने कहा, आपने देकर आया है फिर भी सर, मैंने उनको वही कहा कि ठीक है अभी नहीं आया है बट चीज़ें प्रोसेस में है, एक टाइम के बाद वो अपना रिजल्ट देगी। मतलब हाँ, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था और किसी भी अगर इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है तो उसको एक टाइम देना लगेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना रिजल्ट देगा और एक साथ जब आउटपुट आएगा तो बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेगा, मैंने उनको वहाँ पर यही कहा था। आपसे इंटरव्यू का सवाल? सर मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो स्टार्ट ही हिदायतुल्ला जी से हुआ था और फिर पूरा लॉ में चला था, फिर छत्तीसगढ़ पे आए, छत्तीसगढ़ फिर मैं सबके आंसर करते जा रहा था, वो फिर फैक्ट पे कूद गए, किसी का भी ईयर पूछ लेते थे और फिर मैं नो सर एक का आंसर मैं गलत भी बता दिया था और मैं इतना डर गया था कि मेरे को लगा कि मेरे को बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, पर मार्क्स 90 थे जो कि अच्छे हैं। तो फिर इंटरव्यू में कोई ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सबसे करंट पूछेंगे या फिर सिर्फ आप जिस बैकग्राउंड से वो पूछेंगे करके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आंसर नहीं भी आ रहा है तो मुस्कुरा के बोलना है नो सर बस। अब वो मेरे को मतलब वो वाला जो फेंकने वाला रहता है वो चीज़ वहाँ पर अब नहीं करना है, फेंक तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमें लगता है कि उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा उनको या फिर हमको जज नहीं कर पाएंगे, पर इतना एक्सपीरियंस हो गया उनको कि एक आदमी के बैठने के तरीके से ही उनको पता चल जाता है पर्सनैलिटी कैसी है। तो आप सभी को, हाँ एक सवाल और आपसे बचा हुआ था, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 एग्ज़ाम को एक साथ करते रहते हैं, CGPSC, SSC या फिर CGPSC व्यापम, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं UPSC और PSC दोनों एक साथ करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों या तीन को साथ में लेकर चला जाए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ, क्योंकि जो अभी नए जो बच्चे हैं ना जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको UPSC भी इंटरेस्टेड लगता है, अब लगता है PSC भी कर ले, साथ में कर सकते हैं क्या गीता? हाँ सर, UPSC और PSC बहुत अलग चीज़ें लग जाती है, मतलब 50% तो सेम है, बाकी पूरा हमारे यहाँ तो 50% ही CG है, तो ऐसा है कि अगर आप एक एम, आपने दो एग्जाम को एक साथ कभी प्रिपेयर? सर मैंने ना एग्जाम दिया है बट मैं प्रिपेयर नहीं की हूँ कभी किसी के लिए। अच्छा, एक बार आप PSC प्रिपेयर कर लो, आप PSC प्रिपेयर करोगे आपका व्यापम अपने आप निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके बारे में बोलना, हाँ क्या होता है कि हमारे व्यापम में हर एक एक महीने में पहले एग्जाम आता रहता था और लोगों का क्या रहता था कि उसका सिलेबस कुछ जैसे कुछ सहग्रेड 3 का आ गया, हॉस्टल वार्डन आ गया,
फूड इंस्पेक्टर आ गया, वो कुछ चार चार पाँच पाँच पोस्टें आते रहते थे और एग्ज़ाम हर दो तीन महीने में होता रहता था, तो लोगों का दो महीने का तैयारी हो, मतलब वो लोग जैसे एग्ज़ाम आए उसका तैयारी करने लगे, फिर दूसरे एग्ज़ाम आए फिर उसका तैयारी करने लगे, फिर दूसरे एग्ज़ाम आए फिर उसका तैयारी करने लगे। इससे क्या होता है कि उनको खुद समझ नहीं आता कि वो किसका तैयारी कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डिसाइड कर लीजिए, और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप पीएससी का अच्छे से तैयारी करेंगे तो व्यापम का निकल जाएगा, लेकिन अगर आप व्यापम का करेंगे तो पीएससी थोड़ा टफ टास्क है। तो अभी अभी जैसे ही होगा सर, अभी व्यापम का बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं लगातार, माहौल बन तो गया। अभी जिनका प्रीलिम्स निकला भी है, मतलब जिनका निकलने वाला भी है, तो उनके मन में भी लग रहा होगा एसीएफ भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आया था सर 2016 जब पीएससी दिए थे, उस समय प्रीलिम्स पीएससी का भी आया था और एसीएफ भी आया था, क्योंकि उससे पहले मैंने इंटरव्यू दे चुका, तो मतलब फोकस एक पे रखना था। तो मैं सोचा कि मैं दो नाव पे पैर नहीं रखूंगा, अगर मैं दोनों पे रखूंगा तो ना तो मेरा एसीएफ निकलेगा और ना ही मेरा पीएससी निकलेगा। तो मैंने अपने चूंकि मुझे पता था कि मैं रिटर्न में मेरा अच्छा है, मैं इंटरव्यू तक पहुँच चुका हूँ, अगर मैं थोड़ा सा उसमें और मेहनत करूँ तो मुझे पोस्ट मिल जाएगा करके, तो सर मैंने एसीएफ पे फोकस नहीं किया, मेरा टोटल जो फोकस था वो पीएससी पे था और वैसे ही हुआ, मुझे पोस्ट मिला। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही चीज, एक चीज जो है आपको उसका तैयारी कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए, आपको निश्चित उस पे सफलता मिलेंगे। और आप सब का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो बिल्कुल कुल मिलाकर आप अपने टारगेट को क्लियर रखें कि आपको बनना क्या है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें, और ये सब कट ऑफ की समस्या से निजात पाते हुए, इस चीज को दूर रखते हुए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए, और उम्मीद है आप लोग इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में ये सारे इन लोगों के व्यूज़ टॉपर स्टॉक में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत आगे की शुभकामनाएं और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।